वेलकम फ्रेंड्स, मैं शाहिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करेंगे, वो ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस ट्रिक का यूज़ करके। ये नंबर है 2621, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 26.21 × 100। ठीक है, 26.21 ये आता है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। इसका मतलब है हमारा आंसर होने वाला है 5 point something × और 100 का रूट होता है 10। तो 5 point something × 10 हमारा आंसर होने वाला है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर में से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, 26.21 − 25 / 36 − 25। 26.21 में से 25 घटाएंगे, बचेगा 1.21 और 36 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 11। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.11। ठीक है, अब इसी 0.11 को हम यहाँ लिखेंगे 0.11। 5.11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51.1। यही हमारा आंसर होगा, 2621 का स्क्वायर रूट होगा 51.1 अप्रॉक्स। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। .99 आता है 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100 के बीच में। इसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है 9 point something × 10। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है। 99.99 में से 81 को घटाएंगे तो बचेगा 18.99 और 100 में से 81 घटेगा बचेगा 19। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.99। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 9.99 × 10 तो हो जाएगा 99.9999 का स्क्वायर रूट होगा 99.9 अप्रॉक्स। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। 875 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लिखेंगे 8.75 आता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है 2 point something × 10। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना होता है और इसमें से इसको घटाना होता है। 8.75 में से 4 को घटाएंगे बचेगा 4.75 और 9 में से 4 घटेगा बचेगा 5। इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.59 × 45 तो 95। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 29.5। तो 875 का स्क्वायर रूट होने वाला है 29.5 अप्रॉक्स। तो दोस्तों, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ बहुत ही कम समय में। और ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।